आज हम बड़े ही संक्षिप्त में जानेंगे राजयोगा मेडिटेशन क्या है, जिसका जिक्र कहीं ना कहीं हम गीता में भी देखते हैं। ये एक प्रकार का होलिस्टिक अप्रोच है। इसे कहीं ना कहीं हम राजयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी जो प्रकार के योग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के योग हैं, उन सभी योगों का राजा है। इसलिए भी इसे राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। और एक होलिस्टिक अप्रोच इसलिए कहेंगे क्योंकि ये समग्र तरीके से दुनिया के हर प्रकार के योग को अपने आप में समाहित कर लेता है, कवर कर लेता है। इसलिए एक प्रकार का एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो आज इस सीरीज़ में हम शॉर्ट में राजयोग के बेसिक स्टेप्स को जानेंगे, कुछ सावधानियों को जानेंगे। तो राजयोग 2-स्टेज प्रोसेस है। स्टेज नंबर 1 या पहला स्टेप ये होता है उसका कि अपने आप को या स्वयं को चेतना, कॉन्शियसनेस या आत्मा निश्चय करना। और दूसरा स्टेज होता है परमात्मा के साथ कनेक्ट होना। अर्थात अगर हम शॉर्ट में कहें तो पहला सोल कॉन्शियस होना पड़ता है, आत्माभिमानी या अशरीरी बनना पड़ता है। केवल स्वयं को आत्मा निश्चय करना, ये पहली इसकी सीढ़ी होती है, पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप है परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, अर्थात गॉड कॉन्शियस। सो सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस, ये दो स्टेप में राजयोगा का एक बहुत ही बेसिक मेडिटेशन कवर हो जाता है, वरना इसकी बहुत सारी अवस्थाएं भी हैं। तो पहली जो हम प्रक्रिया है सोल कॉन्शियस होने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें स्थूल क्या क्या सावधानियां हम बरतेंगे। पहली जो सबसे पहली बात आती है वो आती है आसन को लेकर, कि कौन सा आसन सर्वोत्तम है अगर मैं ध्यान या मेडिटेशन करने जा रहा हूँ उसके लिए। तो अगर हम आसन की बात करें तो हम सब जानते ही हैं कि स्थिर सुखमासनम, अर्थात स्थिर बैठना सुखासन सबसे बढ़िया आसन है, एकदम स्थिर, एकदम रिलैक्स। तो उसके लिए हमारे स्पाइन जो है सीधी हो और गला और स्पाइन एक एक्सिस में हो। बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेच होके भी नहीं बैठना है। बहुत ज़्यादा हम सीधे बैठेंगे स्ट्रेच होके तो कमर में दर्द हो सकती है। एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं सुस्ती और नींद आ सकती है। तो सबसे अच्छा पोजिशन या आसन वो है जिसमें हम स्थिरतापूर्वक सीधे बैठ सके। ये हुआ इसके बैठने के संबंधित सावधानी। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आँखों को लेकर, कि जब भी हम राजयोग करें तो हमारी आँखें खुली होनी चाहिए कि आँखें बंद होनी चाहिए। हर एक चीज़ के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। अगर हम आँखें बंद करते हैं तो हो सकता है कई बार मन एकाग्र भी हो जाए, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मन भटक भी जाए और कई बार नींद आने के भी चांसेस हैं। अगर हम आँखें खोलते हैं तो फिर पाते हैं कि शायद इतना फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो, ये भी हो सकता है। बड़े अभ्यास का विषय है। प्रायः राजयोग में हम आँखें खोलकर ही अभ्यास करते हैं और ये एकाएक नहीं आता, इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम आँख खोल करके अगर हम योग करें तो इस राजयोग को कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। अपनी डे टू डे एक्टिविटी में जो हम अपने जॉब या जो कुछ चीज़ें कर रहे हैं उन सब में हम किसी ना किसी तरीके से कर्म करते हुए योग कर पाएंगे। इसीलिए इसका दूसरा नाम कर्म योग भी है। तो राजयोग को कर्म योग से भी जाना जाता है। कर्म योग मतलब केवल इतना नहीं कि कर्म किया जाए और फल की इच्छा ना रखा जाए, लेकिन यहाँ कर्म योग की परिभाषा होती है कि आत्मिक स्मृति में रहकर कर्म किया जाए, क्योंकि इस स्मृति में रहते ही किसी प्रकार की इच्छा मन में नहीं जागेगी, हम फल की इच्छा से अपने आप ही न्यारे हो जाते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप हुआ आँख के खोलने या बंद करने को। कई लोग ऐसे भी प्रिफर करते हैं, आधी आँख खुली रहती है और आधी बंद भी रहती है। अब एक सबसे और महत्वपूर्ण बात ये रह जाती है कि जब भी हम योग करने बैठे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा योग लगा कि नहीं, या जो हम विधि फॉलो कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो जब भी अगर हम योग करेंगे तो योग करने के पश्चात, मान लीजिए हमने 20 मिनट योग किया या आधा घंटा योग किया, तो योग करने के पश्चात अगर मेरे मन को शांति का अनुभव हो रहा है, प्रेम, शांति, वो सुखद अवस्था का अनुभव हो रहा है, तब हम समझेंगे कि हमारा योग लगा। अगर मैं आधे घंटे बैठा और आधे घंटे बैठने के बाद भी संघर्ष चलते रहा, शुरू में संघर्ष चलता है, बहुत सारे व्यर्थ विचार आएंगे, अगर वो संघर्ष चल रहा है तो उसको हम योग में काउंट नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो सामने से कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स से हमें पता पड़ जाता है कि कॉल बराबर लगा है। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पर हम योग में बैठते हैं तो योग में बैठने के पश्चात हमें कोई ना कोई अनुभूति होती है, शांति या प्रेम, तो वो अनुभूति के आधार से हमें मालूम पड़ता है योग कितना लगा। अगर आधे घंटे में केवल हम 20 मिनट हम एकाग्र कर पाएँ या 10 मिनट एकाग्र कर पाएँ और केवल 10 मिनट शांति का अनुभव हुआ, मतलब योग आधे घंटे नहीं केवल 10 मिनट लगा। तो ये इसकी परख होती है हम प्रॉपरली योग कर रहे हैं कि नहीं। अनुभूति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कसौटी है। अब हम बात करेंगे
स्टेज वन की, जैसे हमने बताया था कि राजयोगा में दो स्टेजेस होते हैं, सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस, अर्थात आत्मा समझना और परमात्मा की स्मृति में टिकना। बेसिक राजयोगा मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो अब सोल कॉन्शियस कैसे हुआ जाए? ऐसे तो हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो सोल कॉन्शियस के लिए पहला हमें क्या करना पड़ता है? जो चेतना जो होती है, चेतना अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक स्पार्कल की तरह होती है, एक प्रकाश पुंज की तरह होती है। तो हम विजुलाइज करते हैं कि मैं इस शरीर से अलग एक चमकता हुआ सितारा हूँ, शाइनिंग स्टार, एक प्योर एनर्जी हूँ। ये विजुलाइज करते हैं। उसके लिए वो चमकते हुए सितारे का एक आकार निश्चित करना ज़रूरी है। उसका आकार, उसका रंग, चमकता हुआ सितारा, श्वेत कलर, श्वेत रंग। तो आकार क्यों निश्चित करना ज़रूरी है? कि अगर मान लीजिए हर बार हम विजुलाइज कर रहे हैं और आकार बार बार चेंज हो रहा है, तो हम मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक कोई निश्चित आकार करें। कई बार लोगों को दिक्कत आ सकती है कि जो विजुलाइज ना कर पा रहे हों, अगर जो विजुलाइज ना कर पा रहे हैं, केवल मन में भाव लाए कि हाँ मैं कहीं ना कहीं शरीर के ऊपरी हिस्से में हूँ, तभी भी चल सकता है। लेकिन विजुलाइज जो कर सकते हैं उनके लिए सर्वोत्तम है। कई लोगों को दिक्कत यह आती है कि वो चमकते हुए सितारे को कहते हैं कि हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो कोई भी एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है, चाहे रोशनी है, उसको हम खुली आँख से देखते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार बार बार ऐसे प्रयास करने से विजुअलाइजेशन बड़ा सहज हो जाता है। तो ये हुई पहली स्टेज, आत्मा निश्चय करना। अब दूसरी जो स्टेज आ जाती है वो आती है परमात्मा के साथ कनेक्ट होना। तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा या वो हायर पावर या सुप्रीम पावर, ऑल माइटी अथॉरिटी, अलग अलग नामों से जिसे हम जानते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, जो सर्वोच्च सत्ता है, तो वो कहाँ पर रहती है? तो जब भी लोग परमात्मा को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर याद करते हैं, कहीं ना कहीं वो सत्ता ऊपर है। ऐसे शुरू से ही लोगों के मन में एक सबकॉन्शियस में भाव बैठा हुआ है। और ऐसे तो बहुत सारे शास्त्रों में जिक्र आता है, हर धर्म में उसका जिक्र भी आया है कि वो कहाँ पे सत्ता रहती है। जैसे गीता कहती है कि सूर्य तारा गण से भी परे मेरा परम धाम है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। या बड़े बड़े धर्म पिताओं ने इशारा ऊपर की तरफ ही दिया है, या कुछ बात होती है तो लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने। तो कहीं ना कहीं एक मनोभाव बैठा हुआ है। तो हम जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो ये भाव लाते हैं कि अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर उस सर्वोच्च सत्ता के पास जा रही हूँ, बिल्कुल एक सितारे की भांति इस दुनिया से बहुत दूर, एक बहुत खूबसूरत दुनिया जो प्रकाश पुंज है, परमात्मा है, रोशनी है, लाइट है। तो उस प्रकाश पुंज या निराकार, जिसे भारतीय शास्त्रों में पर ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है या ब्रह्म कहा गया है, तो उस, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक शाइनिंग स्टार है, तो परमात्मा को हम क्या कहते हैं? परम आत्मा। तो एक एनर्जी, एक सुप्रीम अथॉरिटी ऊपर में है जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं। अब मैं भी प्रकाश पुंज हूँ, मैं भी उस लोक में पहुँच रहा हूँ, प्रकाश के लोक में, प्रकाश पुंज। और जैसे सूरज से किरणें आती हैं, उसी प्रकार मैं परमात्मा की रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मेरा मन एकदम शांत और निर्मल हो रहा है। सुप्रीम या जो परम सत्ता है, उसकी किरणों के नीचे मैं हूँ। और जैसे एक फाउंटेन के नीचे हम रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उनकी शीतलता और शांति मुझे अनुभव हो रही है और उनसे हम सेल्फ टॉक करना चालू करते हैं। तो ये दो स्टेज हो गई, आत्मा निश्चय करना, पहले इसमें थोड़ा हमें टाइम डिवोट करना है, इसके बाद मैं आत्मा स्वयं परमात्मा के पास जा रही हूँ और मैं उनसे मिल रही हूँ। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है और इसीलिए इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि योग या युज शब्द का मतलब ही होता है आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। जो दुनिया है, आमतौर पर लोगों की अलग अलग राय है, परमात्मा या उस सर्वोच्च सत्ता जिस दुनिया में रहती है, हर धर्म में उसको अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। सनातन धर्म में उसे परम धाम कहा गया है, शांति धाम कहा गया है। जैन धर्म में उसे निर्वाण धाम कहा गया है, या कई लोग उसे मुक्ति लोक कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। क्रिश्चियन धर्म में उसे कहीं ना कहीं बताया गया है सोल वर्ल्ड कहा गया है। इस्लाम में उसे आलमे अरवाह कहा गया है, या सातवां आसमान लोग कहते हैं। हर धर्म में लोगों ने ये स्वीकार किया है कि परमात्मा कहीं ऊपर है। और कॉमन है कि लोग ज्योति, कोई लोग उसे ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, लाइट कहते हैं, नूर कहते हैं, अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो मैं भी रोशनी हूँ, परमात्मा भी रोशनी है, ज्योति है, और मैं ज्योति उस परमात्मा के पास जाती हूँ, उनके किरणों को ग्रहण करती हूँ। जिस दुनिया में परमात्मा रहते हैं, सुप्रीम सत्ता रहती है, कई मानते हैं कि उसका कलर जो है, रंग है, सुनहरे लाल रंग का है। और सुनहरे लाल रंग में परमात्मा एक प्रकाश पुंज, मैं भी एक प्रकाश पुंज, और हम उनसे
सेल्फ टॉक करना चालू करते हैं। तो इस प्रकार राजयोग टू स्टेज प्रोसेस है, सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त में राजयोग के बारे में, उसकी स्टेप्स के बारे में, विधि के बारे में जाना। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आने वाली हमारी इस स्पेशल सीरीज़ के एपिसोड में अब एक एक चीज़ को हम और भी डिटेल करेंगे कि आत्मा समझना क्यों आवश्यक है और इंटरनली क्या होता है जब अगर हम आत्मा समझते हैं तो, क्यों बिना आत्मा समझे क्यों नहीं हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, अगर ऐसे याद करते हैं तो क्या होता है। तो इसी तरह आप हमारे साथ इस स्पेशल सीरीज़ में बने रहिए और हम और भी कुछ रोचक बातों के साथ आएंगे और बहुत विधिपूर्वक जानेंगे भारत का प्राचीन राजयोग, उसके एक एक डिटेल माइन्यूट इन्फॉर्मेशन हम समझने का प्रयास करेंगे और अनुभव करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे अपने जीवन को हम लाभान्वित कर सकेंगे। ओम शांति।